गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू योर चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर साइंस बुक. ओके, सो हमने इसका मेटल्स का, व्हाट आर द मेटल्स एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये हम कवर किए थे लास्ट वीडियो में. इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट आर द नॉन मेटल्स, ठीक है, एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. नाउ कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल. ठीक है, सम जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आर गिवन बिलो. पहला है हमारा फिजिकल स्टेट. नॉन मेटल्स मे ऑकर्स एज सॉलिड, लिक्विड, गैस एट रूम टेम्परेचर. जो नॉन मेटल्स के फिजिकल स्टेट में, मतलब रूम टेम्परेचर में नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करता है सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में. ओके, फॉर एग्जांपल अंडर नॉर्मल कंडीशन, जब नॉर्मल कंडीशन होता है तो सल्फर एंड फॉस्फरस सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ब्रोमीन आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, वेयर एज द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर दी गैस फॉर्म. ओके, नाउ सेकेंड इज कलर. नॉन मेटल का कलर कैसा होता है? नॉन मेटल हैव डिफरेंट कलर्स, उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सल्फर इज़ येलो, फॉस्फोरस इज वाइट और रेड, वाइट भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है. क्लोरीन इज़ ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन इज़ रेडिश ब्राउन, हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन आर कलरलेस, क्योंकि ये गैसेस के फॉर्म में होता है तो ये कलरलेस होते हैं. थर्ड इज़ अपीयरेंसेस, कैसा दिखता है. नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंसेस, उनका डल अपीयरेंसेस होता है जिसकी वजह से उसमें कोई कुछ भी शाइन नहीं होता. हाउ एवर ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर द ओनली नॉन मेटल विच हैव अ मेटेलिक लस्टर. सिर्फ ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों नॉन मेटल हैं, बट उनका जो टेक्सचर है वो मेटेलिक लस्टर होता है जिसकी वजह से वो शाइन करता है. ओके, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी. नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल और नॉर मेलिएबल. नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इन टू वायर्स और बीटन इन टू लीफ शीट्स. हम लोग मेटल्स को एक थिन शीट से बीट कर सकते हैं, उसको मतलब हैम्पर करते हैं, हैमर करते हैं, बट नॉन मेटल को नहीं कर सकते हैं. नॉन मेटल आर ब्रिटल. नॉन मेटल ब्रिटल होता है जिसकी वजह से नॉन मेटल ब्रेकअप इंटू पीसेज, बहुत डेलिकेट होता है जिसकी वजह से नॉन मेटल को जब हम लोग ब्रेक उसके ऊपर मतलब किसी भी चीज़ से बीट करते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेज में टूट जाता है. व्हेन प्रेस हार्ड और हैमर, मतलब या तो उसको प्रेस करो या हैमर करो तो ये छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक हो जाते हैं. कंडक्टिविटी. नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल नहीं होता है. दैट इज़ नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर. इसकी वजह से नॉन मेटल को पुअर कंडक्टर बोला जाता है. ग्रेफाइट हाउएवर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल है बट फिर भी इसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. ओके, नाउ डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है? नॉन मेटल यूजुअली हैव अ लो डेंसिटी एंड आ सॉफ्ट. वो बहुत उसकी लो डेंसिटी होती है जिसकी वजह से वो बहुत सॉफ्ट होता है. डायमंड हाउएवर इज़ एन एक्सेप्शन, जिसमें कि डायमंड बहुत एक्सेप्शन होता है. डायमंड इज़ अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन. डायमंड बहुत हार्ड होता है. ठीक है, नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ. नॉन मेटल हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. दैट इज़ वाई नॉन मेटल कैन बी ब्रोकन ईजिली, जिसकी वजह से नॉन मेटल जल्दी ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नॉन मेटल एक्सेप्ट ग्रेफाइट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. जो नॉन मेटल होता है सिर्फ ग्रेफाइट ही ऐसा होता है. नॉन मेटल एक्सेप्ट ग्रेफाइट, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सबका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है. सोनोरिटी. सोनोरिटी में क्या होता है? नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस साउंड. नॉन मेटल्स में साउंड प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से हम बेल बनाते हैं. बेल आप जैसे घंटी बजती है. एंड वेन हीट विद एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस. नॉन मेटल में कुछ किसी भी तरह का साउंड नहीं होता है अगर हम किसी भी चीज़ से उसको हिट करते हैं तो, जिसकी वजह से ये नॉन सोनोरस है, मतलब इसमें इसकी वजह से नॉन मेटल हमारा नॉन सोनोरस है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पढ़ेंगे. ऑल मेटल गिव सिमिलर केमिकल रिएक्शन. जितने भी मेटल्स होते हैं उनका सिमिलर केमिकल रिएक्शन होता है. हाउएवर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन इट्स नेचर एंड रिएक्शन कंडीशन. सम टिपिकल केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल आर डिस्क्राइब बिलो. ठीक है, अब नीचे में कुछ हमारे पास केमिकल रिएक्शन गिवन है.
रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जब मेटल का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ तो वो कैसे फॉर्म करता है ये देखते हैं. ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड. जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है. डिफरेंट मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन. अलग अलग मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ इन अ डिफरेंट कंडीशन, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल से सोडियम, सोडियम का होता है Na, ठीक है. तो यहाँ पे सोडियम इज टू सोडियम 4Na प्लस ऑक्सीजन, एयर और ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है, O2, जिसका रिएक्शन बनेगा सोडियम ऑक्साइड 2Na2O. ये इसका रिएक्शन का नेम, ये जो है 2Na2O ये सोडियम ऑक्साइड का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है. मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 2Mg प्लस ऑक्सीजन O2. ये पहले सोडियम के साथ जब ऑक्सीजन का कंबाइन होगा तो क्या रिएक्शन बनेगा, कौन सा, मैग्नीशियम के साथ जिंक के साथ आयरन एंड कॉपर के साथ, ओके. तो सेकेंड है हमारा मैग्नीशियम 2Mg प्लस ऑक्सीजन O2. जब हीट किया गया उसको, मतलब ये रूम टेम्परेचर, फर्स्ट वाला देखो आप, रूम टेम्परेचर में सोडियम ऑक्साइड बनाता है और इसमें क्या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं और उसको हीट देने के बाद बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट लाइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो 2MgO. थर्ड पॉइंट है जिंक 2Zn प्लस ऑक्सीजन O2, ठीक है. स्ट्रॉन्ग हीटिंग, मतलब बहुत तेज उसमें हीट दिया गया, बर्न विद अ ब्लू फ्लेम, ये फट जाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है. आयरन Fe, आयरन जिंक, ये जो Fe है ना ये आयरन का है केमिकल नेम, जिंक आपका Zn है, मैग्नीशियम Mg एंड सोडियम का Na है, ठीक है. तो आयरन प्लस ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग हीटिंग दिया, नो बर्निंग कुछ भी नहीं हुआ, फेरिक ऑक्साइड बनाया 2Fe2O3, 2CO कॉपर प्लस ऑक्सीजन O2, प्रोलॉन्ग स्ट्रॉन्ग हीटिंग नो बर्निंग, और ज़्यादा हीट देने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, कॉपर ऑक्साइड बना. फ्रॉम द रिएक्शन कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन ऑफ गिवन अबव, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन इज Na इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, ग्रेटर देन जिंक, फिर आयरन होगा, फिर कॉपर होगा. मतलब इनका रिएक्शन सबसे ज़्यादा सोडियम में होगा, फिर मैग्नीशियम में होगा, फिर जिंक, देन आयरन एंड देन कॉपर, ओके. नाउ मूविंग टू दी रिएक्शन विथ वाटर. पहले अभी हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा था मेटल्स का, अब हम वाटर के साथ देखेंगे, ठीक है. डिफरेंट मेटल रिएक्ट विथ वाटर अंडर डिफरेंट कंडीशन, राइट. रिएक्शन ऑफ सम कॉमन मेटल्स विथ वाटर आर गिवन बिलो. सोडियम के साथ हम पहले करेंगे रिएक्शन, सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये रिलीज होगा, ठीक है. मैग्नीशियम प्लस वाटर करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. आयरन, आयरन के, आयरन रेड हॉट, आयरन प्लस स्टीम, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. तो ये जो केमिकल नेम है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है. कॉपर Cu होता है प्लस वाटर H2O, नो रिएक्शन इवेंट एट हाई टेम्परेचर. सो फ्रॉम द रिएक्शन कंडीशन ऑफ द अबव रिएक्शंस, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मेटल्स ऑफ विथ वाटर इज सोडियम मैग्नीशियम आयरन एंड कॉपर. जो इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, जो मेटल का ऑर्डर है रिएक्शंस का, वो इस तरीके से होगा, सोडियम मैग्नीशियम आयरन एंड कॉपर, ओके. नाउ रिएक्शन विथ एसिड्स, अब एसिड्स के साथ देखते हैं हम. मोस्ट मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. बहुत सारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं जब मतलब एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो वो प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है. मेटल का किसके साथ रिएक्शन हुआ, डाइल्यूट एसिड, मतलब ये मिक्स हो जाता है एसिड. तो रिएक्शन ऑफ सम कॉमन मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर गिवन बिलो. पहला हमारा सोडियम है, सोडियम के साथ हमने क्या मिक्स किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बना इससे, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. सोडियम या आपका क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन अलग हो गया, ठीक है. मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये डाइल्यूटेड एसिड है इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. देन जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड किया रूम टेम्परेचर पे, तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, मतलब आप देखो हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जा रहा है. और ये जितने भी हैं एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट, और ये सारे सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड ये सारे सॉल्ट फॉर्म में होते हैं, राइट. तो जब इनका रिएक्शन किया गया
तो रिएक्शन भी सेम ऐसे ही हुआ. मैग्नीशियम का ज़्यादा रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज मैटर, मतलब रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा हुआ, सोडियम मैग्नीशियम देन जिंक फिर आयरन फिर कॉपर. ओके तो आई होप ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. नाउ रिएक्शंस विद बेसिस एंड अल्कलाइन. सर्टन मेटल्स लाइक जिंक एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑन हीटिंग टू फॉर्म अ सॉल्युबल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन इज इवॉल्व. इसमें क्या है, जब हमने कुछ मेटल्स लिए जैसे कि जिंक एल्यूमिनियम को रिएक्ट किए विद अ स्ट्रॉन्ग बेसिस, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट के साथ, तो क्या बना, सॉल्युबल फॉर सॉल्ट, मतलब वो सॉल्ट जो है वो मिक्स हो जाएगा एंड हाइड्रोजन इज इवॉल्व, हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. तो यहाँ पे आपका इवॉल्व मतलब यहाँ मिलेगा. तो जिंक मेटल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, इससे क्या बना, सोडियम जिंकेट सोल्यूशन प्लस हाइड्रोजन. ओके एक और इसमें रिएक्शन बन रहा है आपका, एल्युमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जब हीट दिया तो सोडियम एल्युमिनेट सोल्यूशन प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है तो स्टूडेंट आई होप क्लियर हो गया होगा इतना आपको. अगर फिर भी कोई इशू आता है किसी भी टॉपिक में यू कैन आस्क मी. थैंक यू.